इसलिए कि गौसपाक का दस्तरखान बड़ा वसी होता था। गौसपाक फरमाते हैं कि मुझे जब मैंने ईमान के दफ्तर को उलट पलट कर देखा, नेकियों के दफ्तर को उलट पलट कर देखा, तो ईमान के बाद मुझे सबसे बड़ी नेकी खाना खिलाना नजर आई। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे कायनात की दौलत दे तो मैं अल्लाह की हर मखलूक को खिलाऊँ। इसलिए कि खिलाना बड़ी नेकी है, क्योंकि जो एक लुकमा किसी भूखे को खिलाए, मुसलमान को सिर्फ नहीं भूखे को, उसके और जहन्नम के दरमियान 7 पर्दे गिराए जाते हैं। एक पर्दे से दूसरे पर्दे का फासला 1000 साल का होता है, यानी एक लुकमे पर इतना जहन्नम से दूर कर दिया जाता है 7000 साल के फासले पर। पेट भर के खिलाने पर क्या होगा? जो आज लूट मार करके खा रहे, उनको पता नहीं है कि खाने की फजीलत नहीं है, खिलाने की फजीलत है। इसलिए कि खाओ तो बदबू बनता है, खिलाओ तो जन्नत का मुजदा मिलता है। इसलिए अल्लाह वालों को खाने की फिक्र कम होती थी, खिलाने की फिक्र ज्यादा होती थी। इसीलिए आप देखें, जिस वली के आस्थाने पे जाए आपको लंगर ही मिलेगा, खिलाने का मामला मिलेगा। गौस पाक के यहाँ लंगर, गरीब नवाज के यहाँ लंगर, साबिर पाक के यहाँ लंगर। और मेरे साबिर ने तो ये शान की, 12 साल भूखे रहकर दुश्मनों को खिलाया। अल्लाह अकबर, रह के फाके में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। लोगों से छीन के खाना तो सबको आता है, भूखे रह के खिलाना कोई हुजूर के घराने से सीखे। ये साबिर पाक ने किया है, अल्लाह अकबर। तो गौस पाक के यहाँ खाने की बड़ी फरावानी थी, बहुत फरावानी थी। लंगर तकसीम होते थे, लोग खाते ही रहते थे, और लंगर में भी छोटी मोटी चीज नहीं फंकती थी। यहाँ भी एक बात थोड़ी कहना चाहता हूँ, बुरा नहीं माने तो, बेटे की शादी में 80 रुपये वाले चावल पकते हैं, लेकिन न्याज करें तो बोलते सस्ते वाला चावल जरा लाए, उस पर भी न्याज हो जाती है। लेकिन आप आने वालों को क्यों देखते हैं? बेटे के नाम पे 80 रुपये किले वाले चावल लाए, गौस पाक के नाम पे 20 रुपया। ये मोहब्बतों की बात है, ये मोहब्बतों की। कुछ लोग कहते हैं यार ये इतनी न्याजें क्यों होती है, अगर ये पैसे उठा के मदरसे में दे दिए जाए तो जो हर साल उमरा को जाते वो पैसे भी फिर मदरसों में दे दो, जो हर साल हज को जाते वो पैसे भी मदरसों में दे दो, सभी मदरसों में दे दो। फिर इमाम हुसैन ने 25 हज क्यों किए, इमाम आदम ने 55 हज क्यों किए? बात ये है, सारी चीजों की अपनी अपनी एक शान है। खिलाने के वक्त खिलाया जाएगा, लुटाने के वक्त लुटाया जाएगा, उमरा के वक्त उमरा किए जाएंगे, मदरसे में देने के वक्त मदरसे में दिया जाएगा। हम मदरसों के मुखालिफ नहीं है, हम लोग खुद मदरसे चलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप बरकत खाजा की बरकतें देख रहे हैं, गुलशन अजमेर का गुलशन देख रहे हैं। जो हैं सब नेकी की खुशबू अलग अलग है।